से जुड़ी भी सामने आ रही है, जहां पर गुजरात कांग्रेस को बड़े झटके की खबर सामने आ रही है। तो गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, गुजरात कांग्रेस के एक लीडर ने इस्तीफा दे दिया है। तो अर्जुन मोडवारिया के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, अर्जुन मोडवारिया ने असेंबली से इस्तीफा दिया है, अर्जुन मोडवारिया ने एमएलए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताते चले, इस्तीफा यहां पर दिया गया है 7 मार्च को, तो गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है। गुजरात कांग्रेस के लीडर का इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, गुजरात कांग्रेस लीडर अर्जुन मोडवारिया ने असेंबली ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो अर्जुन मोडवारिया कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने की वजह यहां पर साफ तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन फिलहाल बड़ा झटका यहां पर देखा जा रहा है क्योंकि अर्जुन मोडवारिया ने असेंबली ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक और सामाजिक आजादी बाकी है, ये लाने के लिए मैं काम कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मैं उसमें विफल रहा। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है, और मैं अभी तक की जो मेरी पॉलिटिकल जर्नी थी उसमें सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता से विमुख पार्टी किस कैसी तरह हुई है ये बात मैंने ओपनली, तो आपने देखा यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मोडवारिया ने अपना बयान भी यहाँ पर रखा कि मैं किस तरह से काम करना चाहता था और मुझे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दूसरा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा है और 24 घंटे के अंदर ये दूसरा इस्तीफा हुआ है गुजरात कांग्रेस को लेकर। तो राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और एमएलए यानी विधायक अर्जुन मोडवारिया ने अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। आपको बता दो चले या ये बयान भी यहाँ पर दिया गया है और गुजरात से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। 24 घंटे के अंदर 2 इस्तीफे यहाँ पर देखने को मिले हैं और अर्जुन मोडवारिया ने भी इस्तीफा दे दिया है।